तो इसे बनाने के लिए स्क्वायर में मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, नीचे के साइड फोम शीट है और सबसे नीचे बेस। इस तरीके से हमने फैब्रिक को अरेंज किया है और चारों साइड से पिनअप कर लिया। मेजरमेंट है 13x13। इस तरीके से मैंने फैब्रिक को लिया है। आप देख सकते हो फोम शीट थोड़ा सा बड़ा है, तो बाद में जब हम इसको चारों साइड से स्टिच कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसे मैं कट चारों साइड से स्टिच करके क्विल्ट कर ली। तो इस तरीके से चारों साइड से स्टिच करके मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर ली। एक और फैब्रिक मैंने लिया और उसे भी क्विल्ट किया है। इसका मेजरमेंट 10x10 इंच है और ये 13x13 इंच। जो 13x13 इंच का है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करना है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करें। तो फोल्ड करने के बाद अब इसे पिनअप कर लेना है ताकि ये मूव ना करे। और अब मैं मेजर करूंगी इसे इस तरीके से, क्योंकि इसे हमें राउंड में कट करना है। तो इस तरीके से इसे राउंड शेप देंगे। वहां पर मैं मार्क कर रही हूँ, जैसे ये 7 इंच है, 7 इंच पर ही हमें मार्क करना है। आप देख सकते हो मैंने कॉर्नर पर इस तरीके से मेजरिंग टेप को पकड़ रखा है। आप इसी तरीके से करते हुए राउंड में मार्क करें। अब इसे हम मिला दें तरीके से और अब इसे कट कर ले। मैंने कट कर लिया है और अब इसे ओपन कर लेंगे। से ये राउंड में आ गया है। तरीके से जो हमने छोटा पीस लिया 10x10 इंच का, उसे भी फोल्ड करना है, फोल्ड एंड 2 फोल्ड। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इधर पिनअप कर देंगे इस तरीके से। और अब कॉर्नर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस पर मार्क करें। ये 5 इंच है तो हमें इसी तरीके से मेजरिंग टेप को पकड़ के रखना है कॉर्नर पर और इस पे मार्क कर लेना है राउंड। अब इसे हम मिला दें और इसे कट कर ले। इसे कट कर लिया है और अब इसे ओपन कर लेंगे। तो ये दोनों पीस हमारे राउंड में आ गए। हम अपना बड़ा वाला पीस लेंगे 13x13 इंच का और उसे इस तरीके से फोल्ड करना है। मिडिल पोर्शन से इस तरीके से मार्क कर लूंगी, भी साइड से मार्क करना है। इसी तरीके से इस साइड से भी फोल्ड करेंगे और इस पर भी मार्क कर ले। इसे हमें फोल्ड करना है और मार्क करना है। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। ये जो मार्क किया है इसको हम मिला दें। इस तरीके से इसे लाइन को मिला लिया है और अब इसे मैं कट कर लूंगी। 4 इक्वल हाफ में हमें इसे कट कर लेना। तरीके से मैंने 4 इक्वल पीसेस कट कर लिए है और यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रिप है। ये इसका मेजरमेंट चौड़ाई इसकी है 1.5 इंच। इसके दो साइड हमें पाइपिंग अटैच करना है, को इस तरीके से रखना है और इसे इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ से यहाँ सिलाई कर लेनी है। तो इसे सिलाई करके मैं ऐसे अटैच कर लूँ। यहाँ मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है पोर्शन से, इस तरीके से फ्रंट पोर्शन पे इस तरीके से रखेंगे, जैसे 1 फोल्ड एंड 2 फोल्ड। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से दोनों साइड हमें इसे स्टिच कर लेना और इसे कम्प्लीट तरीके से इसे मैंने कम्प्लीट कर लिया। इसी तरीके से बाकी को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस पर भी पाइपिंग अटैच करेंगे, तो बैक साइड से ही अटैच करना है। इसे रखेंगे और दो साइड इस तरीके से घुमाते हुए अटैच कर लेंगे और वापस से हम इसे पलट लेंगे। इस तरीके से मैंने पाइपिंग से चारों को फिनिश कर लिया है और अब इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर पर मार्क कर लेना। सबके ही सेंटर पर हम इसी तरीके से मार्क कर लें ताकि ज्वाइंट करना इन्हें इजी रहे। और आप देख सकते हो सेंटर पर मार्क मैं फ्रंट साइड से ही कर रही हूँ, आपको भी फ्रंट साइड से ही करना है। यहाँ पर मैंने सब पे मार्क कर लिया है और इसे मैं साइड में रख दूंगी। इसी तरीके से ऐसे फोल्ड करना है और इस पर भी मार्क कर लेना दोनों साइड से। वापस से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, भी मार्क कर लेंगे। अब जो हमने मार्क किया है उसको इस तरीके मार्क से मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से रखना है, इस तरीके से मिलाते हुए हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो पहले एक एक करके स्टिच करना है। तो जैसे मैंने ये रखा है, आप देख सकते हो इस तरीके से जो मार्क किया है उसको इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से एक सीधी सिलाई कर लेंगे। आरो फ्लैप को मैंने अटैच कर लिया है और आप देख सकते हो ये ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे, ये जो रफ एजेस दिख रहे हैं इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर की स्ट्रिप कट की है और इसे मैं पोर्शन से लगाना है, इसे रखेंगे और चारों साइड से इसी तरीके से घुमाते हुए इसे अटैच कर। बैक साइड से मैंने इसे फिनिश कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूंगी। इसे फ्रंट साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमें इसे अटैच कर ले। इस तरीके से पाइपिंग के साथ मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे। तो रोटी कवर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर में फैब्रिक लिया है जिसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। नीचे के साइड बीच में फोम शीट रखी है, सबसे नीचे बेस के लिए फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस तरीके से मैंने इस पर क्विल्ट कर लिया है और ये स्क्वायर में है। इसका मेजरमेंट है 12.5 इंच बाई 12.5 इंच। तरीके से मैंने ये बेस के लिए रेडी किया। 4 फैब्रिक मैंने रेडी किए हैं जिसका मेजरमेंट सेम है, 6.5 इंच का ये स्क्वायर पीस। तो इस तरीके से ये 4 पीस मैंने रेडी किए हैं और इस पे भी क्विल्ट कर लिया है। तो मैं हटा दूंगी अभी, इस फैब्रिक पर आएंगे। हमें
इस तरीके से फोल्ड करना है तो हम राउंड में शेप दें। शेप देने के लिए इस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ राउंड में। अब मैं कट कर लूं इस तरीके से ये राउंड में आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो बचे हुए 3 फैब्रिक हैं इस पर भी मैं शेप दूंगी। बैक साइड से मार्क करना है, इसे कट कर लूंगी। चारों को हमें इसी तरीके से शेप देते हुए करना है। सबके सेंटर पर मैंने कट लगा लिया है और अब बेस वाले फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका भी सेंटर निकाल लें। जैसे कि ये है तो यहाँ पर कट करना है और दूसरे साइड भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। दोनों ही साइड से फोल्ड करें, कट लगा लेना है। करना है इसमें हम पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग के लिए आप सेम फैब्रिक भी ले सकते हो, कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड स्ट्रिप ली है, ये स्ट्रिप कम थी तो मैंने इस पर ज्वाइंट लगाया है। इसे रखना है उल्टे के साइड से रखेंगे क्योंकि इस पर ज्वाइंट लगा हुआ है ये इस तरीके से। तो हम इस तरीके से रखें, ज्वाइंट लगाओ तो इस बात का ध्यान रखें। इसे करते हुए यहाँ से गोलाई में इसे स्टिच कर लें। इसी तरीके से सारे ही फैब्रिक को, जितने भी पीस हैं सबको रेडी करना है। इस तरीके से मैंने स्ट्रिप को अटैच किया है और अब सीधे के साइड इसे पलट लेना है। हम डबल फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड एंड 2 फोल्ड। इसके रॉ एजेस सब अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से करते हुए मैं बाकी के 3 पीस को रेडी कर लूंगी। इस तरीके से राउंड पीसेस पर मैंने पाइपिंग भी लगा लिया है और अब इसे हम बेस के साथ अटैच करें। जहाँ जहाँ सेंटर पर हमने कट किया था वहीं पर अटैच करना है। तो दोनों का ही फ्रंट पोर्शन अंदर के साइड रहेगा इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से एक सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये अटैच हो जाए। इस तरीके से एक पीस मैंने अटैच कर लिया है और इसी तरीके से सेंटर मिलाते हुए बैक साइड में रखना है। दोनों का फ्रंट अंदर की तरफ रहेगा और यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे। तो बाकी बचे 3 पीस को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। इस तरीके से चारों ही फ्लैप को अटैच कर लिया है और अब ये जो कॉर्नर है तो हम इस तरीके से ट्रायंगल में पाइपिंग से इस वाली पाइपिंग को मैच करते हुए यहाँ से एक सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये ज्वाइंट हो जाए। इस तरीके से मैंने इस पे सिलाई भी कर ली है। मैं आपको बताना भूल गई, ये जो पाइपिंग लगाया है ये 1.5 इंच की मैंने स्ट्रिप ली थी, चौड़ाई 1.5 इंच थी। ये जो ट्रायंगल बना है इसे आप इस तरीके कर लेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे। ये दिखा दूं, पलट लूंगी। यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है और इस तरीके की शेप आई है, बॉक्स की शेप में आया है। अगर आप राउंड में करना चाहते हो तो आप बेस को राउंड में कट कर लीजिए। प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है, ये राउंड में आ जाएगा। मुझे स्क्वायर में चाहिए था तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से एक सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। आप चाहो तो इस साइड भी कर सकते हो या इस साइड भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसे ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, इस तरीके से आया है। और अब दूसरे साइड आएंगे, इधर की इस साइड की पाइपिंग को इस साइड के पाइपिंग से मैच कराना है। ट्रायंगल का शेप आएगा इस तरीके से, यहाँ से एक सीधी सिलाई कर लेंगे और इसे भी मैं इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे टक कर दूंगा। चारों कॉर्नर को मैंने स्टिच कर लिया है, सब फिनिश करेंगे। ये रॉ एजेस जो हैं इसको हाइड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रिप कट की से हम इस तरीके से रखेंगे। स्ट्रिप भी 1.5 इंच की है, तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो चारों कॉर्नर को इसी तरीके से पाइपिंग से स्टिच कर लेंगे। जैसे इसमें पाइपिंग लगाइए ना, वैसे ही पाइपिंग लगा। पाइपिंग से मैंने इसे कम्प्लीट कर लिया है और ये हमारा रोटी कवर बनकर रेडी हो गया है। अच्छा खासा स्पेस है तो आपकी काफी रोटियां इसमें आ जाएंगी। इस तरीके से इसे हम क्लोज कर लें, इसे कैसरोल में रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके साथ 2 आइडिया शेयर किया है रोटी कवर का। आपको कौन सा आइडिया ज्यादा अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लूप भी लगा लिया है, इसे मैंने इस तरीके से ओपन किया और यहाँ से लूप से अटैच कर दिया। मिलती हूँ एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।